हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज पद्मिनी। और फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ पतंजलि हाल। जो जो भी प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ पतंजलि का, वही लेके आई हूँ बस। तो ये है पतंजलि की मॉइस्चराइजर, जो कि शिया बटर के साथ है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसे यूज़ कर सकते हो कभी भी। अच्छी मॉइस्चराइजर है क्योंकि इसमें है एलोवेरा, जो कि स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। लेकिन थोड़ी ऑयली है, तो आप इसे ऑयली स्किन वाले से समर में यूज ना करें। और ये 50 ग्राम की है और इसकी जो प्राइस है वो बजट में आ जाती है। और क्रीम अच्छी थी और इसकी स्मेल भी बहुत ही अच्छी थी। तो देखते हैं दूसरी प्रोडक्ट। और मैं यूज़ करती हूँ ये जो पतंजलि केश कांति तेल। लेकिन फ्रेंड्स, अगर इसे आप यूज़ कर रहे हो पता नहीं क्या होगा, लेकिन मेरे साथ तो ये मेरे बाल जो है झड़ने लगे। तो फिर देखते हैं, ये नीम एंड तुलसी फेस वाश है जो कि पतंजलि की तरफ से है। और ये मुझे बहुत ही अच्छी लगती है ये प्रोडक्ट। इसकी स्मेल बहुत अच्छा लगता है, इसका जो कंसिस्टेंसी है वो भी बहुत अच्छा लगता है। ओवरऑल ये अच्छी है पतंजलि की तरफ से। फेस वाश जो है स्मेल बहुत ही अच्छी है। और फिर देखते हैं ये है फेस पैक जो कि है नीम एलोवेरा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पिंपल्स हैं तो आप इसे इस फेस पैक को यूज़ कर सकते हो उसे हटाने के लिए और स्किन को स्मूथ एंड क्लीन एंड क्लियर करने के लिए। तो इसमें है कुकुम्बर है, एलोवेरा है, नीम है और अच्छा है। और ये है केश कांति सिक्का का हेयर क्लींजर जो कि मेरे बालों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही। मतलब ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, सच्ची बोल रही हूँ मैं। और अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो पता नहीं आपको कैसे सूट करेगा, लेकिन मुझे तो ये बिल्कुल भी सूट नहीं किया, बिल्कुल उस ऑयल की तरह। लेकिन पतंजलि ऑयल को मैं 3-4 ऑयल के साथ मिलाकर मिक्स करके लगाती हूँ, तो मेरे बाल अभी ठीक है। और ये है सौंदर्य तेल तैलम जो कि पतंजलि की तरफ से है। और इसकी प्राइस है 60 रुपीज़। और ये इसे आप दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं, स्किन में भी लगा सकते हैं और हेयर में भी लगा सकते हैं। और मेरे लिए अच्छी तेल है जो कि पतंजलि की तरफ से है। और ये केश कांति आंवला हेयर ऑयल है जो कि पतंजलि की तरफ से है, और ये मुझे अच्छा लगा बिल्कुल भी और अच्छी है। और ये है केश कांति हेयर कंडीशनर जो कि पतंजलि की तरफ से है और डैमेज कंट्रोल वाली है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो, ये अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आप केश कांति वो हेयर क्लींजर यूज़ कर रहे हैं सिक्काकाई वाला, तो इसे आप ज़रूर यूज़ करें। इसे आपकी हेयर जो है स्मूथ रहेगा और कंडीशनिंग रहेगा। और ये जो है ना पतंजलि की केश कांति एलोवेरा क्लींजर, ये तो अच्छी तो थी लेकिन ये जो है डुप्लीकेट निकली यार, पता नहीं लोग डुप्लीकेट भी निकाल रहे हैं अब। और ये रिंकल लिफ्ट क्रीम है जो कि पतंजलि की तरफ से है। इससे स्किन स्मूथ बनती है, क्लीन क्लियर बनती है, लेकिन ग्लो नहीं करती। और ये है फेस पैक जो कि मुल्तानी मिट्टी की फेस पैक है और पतंजलि की तरफ से है। और इसके साथ एक्सपीरियंस अच्छा रहा, अच्छी है क्योंकि मुल्तानी मिट्टी है इसमें। और प्राइस भी इसकी 60 ग्राम को 60 रुपीज़ ही है लगभग। और इसमें एलोवेरा ही है तो ये यूजफुल है। और दैट्स ऑल फॉर, थैंक यू, बाय।